शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। कोरोना में लॉकडाउन लगने से सारे कारोबार बंद थे, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन हटा तो दुकानें फिर से सजने लगी है। आने वाले 3 अगस्त को राखी का त्यौहार है, इस राखी की दुकानें अभी से सजी हुई है। कोरोना को देखते हुए राखी दुकानदार आने वाले ग्राहकों को सबसे पहले सैनिटाइजर देकर उनका वेलकम करते दिखाई दे रहे हैं। तो वही लगभग सभी दुकानदारों ने चाइना राखी को कटाई अपनी दुकानों में कोई जगह नहीं दी है। पेश है हमारे संवाददाता संजय मिरे, इनकी ये रिपोर्ट राखी बाजार से। पूरे भारतवर्ष में राखी का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। बहनें अपनी भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनकी रक्षा करने की अपील इस राखी के माध्यम से करती है। इस बार राखी की कई दुकानें बाजारों में सजी है, लेकिन इस बार चाइना की राखियां छोड़कर सभी वैरायटी की राखियां बाजारों में उपलब्ध दिखाई दे रही है। छोटे बच्चों के लिए खास अंदाज में तैयार की गई राखी सबका ध्यान अपने ओर आकर्षित कर रही है। कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए राखी विक्रेताओं ने आने वाले ग्राहकों को सबसे पहले उनके हाथों में सैनिटाइजर देकर उनका वेलकम करते दिखाई दिए और बार बार ग्राहकों को सोशल डिस्टेंसिंग रखने की हिदायत देते हुए भी पाए गए। राखी खरीदने आए ग्राहक भी इसका पूरा पालन करते नजर आए। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी राखी की दुकानें पूरी तरह से सज चुकी है। इस समय में हम इतवारी के धारस्कर गली में है, जहाँ पे राखी से सैकड़ों की तादाद में दुकानें सजी हुई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्राहक भी दिखाई दे रही है और अलग अलग वेराइटीज की काफ़ी सुंदर सुंदर राखियाँ है जो बहनें अपने भाई के कलाई पर बांध के अपनी रक्षा करें, इसलिए ये राखी खरीदने के लिए यहाँ पे आई हुई है। इस समय में जो राखी के दुकानदार है, जो मालिक है, आइए उनसे जानना चाहेंगे कि इस समय में चाइना का माल उनके पास है क्या। सर ये बताइए कि इस समय में जो अलग अलग वेराइटी की जो राखी आई हुई है वो कहाँ कहाँ से आई है और चाइना का माल है क्या? सबसे पहली बात तो चाइना का माल तो हम रखते नहीं है, ये कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली, हैदराबाद और अपना सूरत इस वैरायटी का माल आते हैं। और चाइना का माल में हम तो ये जो कोविड-19 की इससे हमें चाइना का माल तो आता ही नहीं है। और पहली बात ये चाइना का माल इसमें आता ही नहीं, चाइना का जो आता है वो प्लास्टिक फिगर में आता है, जो कार्टून की वैरायटी में आता है वो अपन रखते ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो कोविड-19 की वजह से जो चल रहा है कोरोना, उसकी वजह से कस्टमर की इसमें बहुत सी गिरावट से आई है। और मेन बात जो है कि हम जो कोविड-19 के जो इसमें कस्टमर जो आता है उसमें सैनिटाइज़र सबसे पहले कस्टमर को सैनिटाइज़र करते हैं, उसके बाद कस्टमर को दुकान में अलाउ करते हैं। इसका रूल का जो फॉलो है वो हम निश्चितपने करते हैं। और जो ऑड इवन है वो हमारे को राखी की दोनों साइड परमिशन मिली है, एक साइड की नहीं, ये सीजनेबल आइटम है, इसलिए हम अपना राखी की दुकान चलाते हैं। ये बताएं कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष में जो ग्राहक की जो है उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? इस जो वर्ष में जो राखी की तुलना से कम जो 100% पिछले साल रहती थी वो इस वर्ष में 60% यानी 60% में आई, यानी 40% कम हुआ है। क्या नाम आपका? मंगेश पवनी। तो आप है मंगेश? मंगेश ने बखबीर बेबा के साथ बात करते हुए ये कहा कि यहाँ पे राखी की दुकानें उन्होंने प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी लगाई है और जो भी ग्राहक आते हैं उनको सैनिटाइजर किया जाता है, चाइना का कोई भी माल नहीं। और भी कुछ दुकानें थोड़ा पैन करके बताइए कि देखिए किस तरह से धारस्कर गली की ये दुकानें सज चुकी है। 3 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार पूरे भारतवर्ष में मनाया जाने वाला है, जिसकी खरीदी करने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएँ यहाँ पर बड़ी तादाद में दिखाई दे रही है। धीरे धीरे इस मार्केट में ग्राहकी बढ़ते हुए नज़र आ रही है और इसी प्रकार से लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नज़र आ रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है। धारस्कर गली से कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागढ़ के साथ संजय मिरे, इनबीसीएन न्यूज़ नागपुर।